आपको बता दें, कब कब बिगड़े बोल बोले गुड़ा ने, नप गए बयानवीर, ये कहा उन्होंने। अपने ही बोल से खोदा बर्खास्तगी का गड्ढा, रणवीर। आपको बता दें, अपने ही बोल से लुढ़कते बिगड़ते रहे गुड़ा, बेमतलब बेजुबान बयानबाजी करते रहे। उनके बोल पर गुड़ा को कहा गया बयानवीर। आपको बता दें, उन्हें बयानवीर कहा गया। अपने ही बोल से बिगड़ी उनकी खुद की इमेज, नप गए बयानवीर राजेंद्र गुड़ा। आपको बता दें, अपने ही बयानबाजी के चलते उनको बयानवीर कहा गया और अपने ही बोल से उन्होंने अपने लिए बर्खास्तगी का गड्ढा खोद लिया। अपने ही बोल से वो बिगड़ते चले गए और उनकी इमेज भी खराब होती चली गई। 21 जुलाई 2023 को मणिपुर हिंसा से जोड़ते हुए विधानसभा में उन्होंने बयान दिया कि सरकार को महिलाओं की सुरक्षा में अपनी ही सरकार को उन्होंने फेल करार कर दिया। साथ ही गुड़ा ने कहा कि हमें मणिपुर की बजाय अपने गिरेबा में झांक के देखना चाहिए। सीता बेहद सुंदर थी, उनकी इसी सुंदरता के पीछे भगवान राम भी थे और रावण भी पागल थे, ये बात कही गुड़ा ने। आज मेरे गुणों के कारण ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट मेरे पीछे भाग रहे हैं। इस तरह की तुलना की उन्होंने। पायलट की सभा में कहा था, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़े हैं। 17 अप्रैल को कहा था, मां का दूध पिया तो सचिन पायलट पर कार्रवाई करके बताएं। 23 नवंबर 2022 को कहा था, पायलट को अभिमन्यु जैसी साजिशों में फंसाया गया है। 23 नवंबर में कहा, जल्द होगा परिवर्तन। 23 नवंबर 2022 को ये कहा। 24 नवंबर 2021 को हेमा मालिनी अब बूढ़ी हो गई। 24 नवंबर 2021 को कटरीना कैफ के गालों जैसी बनाई जाए सड़कें। 25 नवंबर 2021 को कहा, लोग घरवाली की मौत पर भी दोनों टाइम रोज दाढ़ी बढ़ाते हैं, घरवाली तो भगवान के घर चली गई। राजस्थान के उदयपुर वटी विधानसभा से विधायक थे और गहलोत सरकार ने बनाया था गुड़ा को राज्य मंत्री, लेकिन अपनी बयानबाजी की वजह से इन्होंने कई बार बसपा के टिकट से भी चुनाव लड़ा है। बसपा पर लगाए अपने आरोपों से रहे चर्चा में। राजेंद्र गुड़ा ने 2008 में राजनीति में कदम रखा था और 2008 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के विजेंद्र सिंह और भाजपा के मदनलाल सैनी को हराकर करीब 8000 वोटों से जीते थे राजेंद्र गुड़ा। 2013 के विधानसभा चुनावों में गुड़ा को उदयपुर वटी से मिला था टिकट, लेकिन 2013 में इस बार ये चुनाव हार गए थे। इसी कारण से कांग्रेस पार्टी ने इनका टिकट काट दिया। बसपा से शुरू किया था सफर, फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया था राजेंद्र गुड़ा ने, फिर चले गए बसपा के साथ और उसके बाद फिर कांग्रेस के पाले में लौट आए थे। एक बार फिर 2008 की तरह बसपा ने इन्हें पार्टी में आने का एक और मौका दिया था। राजेंद्र गुड़ा ने इस ऑफर को अपना लिया था। बसपा ने इन्हें एक बार फिर से टिकट देकर उदयपुर वाटी की सीट पर उम्मीदवार बनाया। इनके त्रिकोणीय चुनाव में राजेंद्र सिंह गुड़ा ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने इन्हें राज्य मंत्री बना दिया था। आना जाना लगा रहा, लेकिन अब बयानवीर होने की वजह से बर्खास्त हो गए। तो ये था राजेंद्र गुड़ा का सियासी सफर।